वेलकम टू अयानास किचन। ये देखिए, ये मैं पॉन्ड्स की क्रीम का रिव्यू कर रही हूँ। ये पुरानी पॉन्ड्स क्रीम है, बेबी क्रीम, और ये नई पॉन्ड्स बेबी क्रीम है। ये जब नई नई शुरू में लॉन्च हुई थी, जबकि ये पैकेजिंग है पॉन्ड्स क्रीम की, और ये अभी मैंने सर्दियों में लास्ट में सर्दी जाने पर ख़रीदी है, और ये काफ़ी अच्छी है मेकअप के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि आप जैसे फाउंडेशन के साथ होता है कि आप प्राइमर लगाइए फिर ऊपर से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको एक ओरिजिनल मेकअप लुक देती है ये क्रीम, और काफ़ी लाइट वेट है। इसको लगाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि हमने हैवी मेकअप कर रखा है बिल्कुल भी। और ये जैसे कॉलेज गर्ल्स होती हैं या स्कूल जाने वाली लड़कियां होती हैं, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट रहती हैं, और जैसे कि लेडीज़ घर पे रहती हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी मेकअप लुक देती हैं, नेचुरल मेकअप लुक। ये नहीं है कि हमें एक रोज़ में हैवी फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत है, और उससे फेस ख़राब होने का भी डर रहता है। इसलिए चलिए आपको दिखाते हैं ये। और ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, काफ़ी बार इससे मेकअप किया है। और ये देखिए, ये पूरी तरीके से मैंने फिनिश कर दी है, और इसमें कुछ भी नहीं है, केवल हवा ही है। और ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम, ये ओरिजिनल शेड है और अच्छी मीडियम कवरेज देती है ये। ये एकदम फिनिश है, और ये मैंने 82 रुपीज़ की ख़रीदी थी, और इसकी क्वांटिटी 9 ग्राम है। और ये एकदम अच्छा ग्लो देती है लगाने के बाद, एक पतली सी लेयर में इसको हम लगाते हैं, और अच्छी फेयरनेस देती है बाहर आउटसाइड। और ये SPF के साथ है, जो कि सन प्रोटेक्शन भी करती है, और काफ़ी अच्छा ग्लो देती है ये। और थोड़ी देर लगाने के बाद ये एकदम से अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, फेस पे लगता ही नहीं है कि हमने कुछ हैवी कुछ लगा रखा है, अच्छी मेकअप लुक देखती है एकदम। अब चलिए इसकी बात करते हैं, ये भी लाइट मेकअप ग्लो देती है क्रीम, और ये नई वाली पैकेजिंग में है देखिए। और ये इसका ये है, ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा फाउंडेशन फिनिश लुक देती है, इसमें फिर भी एक क्रीम जैसी अप्लाई है, लेकिन ये फाउंडेशन की तरह एकदम लुक देती है हमें। और ये देखिए, ये अभी इसको मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ये मैं पर्सनली यूज़ करके आपको रिव्यू दे रही हूँ। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। और आप अगर इसको ज़्यादा मेकअप चाहते हैं तो आप इसको डबल बार भी लगा सकते हैं फेस पर, एक लेयर लगाने के बाद दोबारा भी। और दोनों ही क्रीमें काफ़ी अच्छी हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें पहले प्राइमर लगाने की ज़रूरत है या कोई क्रीम वगैरह, नहीं, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी कंप्लीट एक मेकअप लुक देती है हमें, और काफ़ी अच्छी है ये, और काफ़ी देर तक स्टे भी करती है ये, और लगी रह जाए फेस पर तब भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और ये हमारे जो फेस पे स्पॉट होते हैं उनको ये एकदम से ढक देती है, और अच्छी मेकअप लुक देती है, ग्लो दिखाती है फेस पर एकदम। और ये भी SPF 30 के साथ है, और अगर डे बाई डे इसको यूज़ करेंगे तो ये हमें इवन टोन भी देती है ये क्रीम। और ये देखिए, मैंने 67 रुपीज़ की ख़रीदी है, और इसकी क्वांटिटी भी 9 ग्राम है, दोनों ही एक जैसे वेट की हैं ये, और बस प्राइस अलग अलग है। ये 82 रुपीज़ की, ये आपको दिख रहा होगा 82 रुपीज़ की है, और ये 67 की है बस। इसमें ये जब नई नई लॉन्च हुई थी, और ये अब इसी का ये नए में आ गई है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी दोनों ही फेस पर लगाने के लिए अच्छी हैं, ऑल स्किन टाइप इसको लगा सकते हैं। और ये मैंने पर्सनली यूज़ करके जब आपको रिव्यू दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये देखिए ये एकदम फिनिश हो चुकी है। और आप भी अगर कोई अच्छी मेकअप कवरेज चाहते हैं तो आप इनको लीजिए और अप्लाई करके खुद देखिए। और बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।